तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टर्मिक्स की एक कंप्लीट सीरीज़। मैं आपको एकदम नूब से प्रो तक लेकर के जाऊंगा। आपको मैं टर्मिक्स के अंदर हर एक चीज़ सिखाऊंगा, चाहे वो कमांड्स हो, चाहे वो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट क्रिएट करना हो। अगर आपको डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, टर्मिक्स के अंदर हम लोग कंप्यूटर जैसा पूरा का पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे आप लोग अपने कीबोर्ड और माउस को लगा करके काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो और भी बहुत सारे कमाल की चीज़ें कर सकते हो। फिर हम लोग सीखेंगे कि टर्मिक्स के अंदर हम लोग कमाल कमाल के हैकिंग टूल्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग एरर हैंडलिंग भी सीख रहे होंगे, और लास्ट में मैं कुछ और एडिशनल चीज़ें भी ऐड करूंगा, प्लस टाइम टू टाइम मैं इस सीरीज़ को अपडेट भी करता रहूंगा। तो ये सीरीज़ भाई आप लोग पूरी की पूरी ज़रूर देखना, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़कियों, हर किसी के लिए ये सीरीज है और हर कोई इस सीरीज को फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली टर्मिक्स है क्या। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि टर्मिक्स है क्या, इसके बारे में सारी चीजें हम लोग जान लेंगे, प्लस टर्मिक्स को हम लोग कैसे एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर परफेक्ट तरीके से इंस्टॉल करके सेटअप कर सकते हैं, ये चीज हम लोग जान लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे से फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, अभी चलो टर्मिक्स है क्या ये चीज़ जानने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आपको पता है कि हमारे पास कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, मतलब मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके बारे में बताइए। चलिए बताइए, आई होप सो कि आप लोगों ने सही बताया होगा। ठीक है, मैं भी बता दे रहा हूँ, हमारे पास है विंडोज़, हमारे पास है लिनक्स, हमारे पास है मैक ओएस और हमारे पास है एंड्रॉयड। ठीक है, अभी एंड्रॉयड तो फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है, बट हम लोग मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो तीन है उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो है विंडोज़, मैक और लिनक्स। ठीक है, अब ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ना एक अलग अलग टारगेट ऑडियंस के लिए बनाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भाई कोई भी यार कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकता है, इसमें टारगेट ऑडियंस वाली कहाँ से बात आती है। बिल्कुल बात है, अगर आप लोग एक ऑफिस में जाते हो, नॉर्मल सा कोई छोटा मोटा ऑफिस है, आप गए, एक आदमी विंडोज चला रहा है, इधर उधर फाइल्स खोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चला रहा है, तो आप उसको देख करके क्या परसेप्शन बनाओगे अपने दिमाग के अंदर, चलो बताओ। आप लोग यही सोचोगे ना कि यार ये तो एक कॉमन सा आदमी है, भाई देखो ऑफिस वर्क कर रहा है, ऑफिस चला रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके अंदर भाई डाटा वाटा एंट्री कर रहा है, एक्सेल सीट खोल लिया, इसके अंदर भी और काम कर रहा है, तो आप लोग उसको मतलब एक नॉर्मल पर्सन की तरह देखोगे, एक ऑफिस वर्कर है। ठीक है, चलो विंडोज चलाने वाले एक नॉर्मल लोग हो गए। ठीक है, बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है, बट आप लोग ऐसा सोच सकते हो। ठीक, फिर हम लोग मैक वाले लोगों की तरफ आते हैं, जिसके पास मैक ओएस होता है या फिर मैकबुक होती है, तो भाई वहाँ पे जब लोग उसको देखते हैं कि मैक चला रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है, तो भाई उसको लगता है कि हाँ यार ये काफ़ी अमीर बंदा होगा, या फिर इसका जो भी बिजनेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैक ओएस होता है या फिर मैकबुक होती है वो भाई बहुत ही मतलब सिक्योर होती है, और उसके अंदर भाई जो हार्डवेयर्स होते हैं वो बहुत ही कमाल के लगे होते हैं, मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये कोई मतलब अच्छा अमीर आदमी है कि नहीं। बट अगर बात हम लोग अब करें लिनक्स की, तो लिनक्स वाले बंदे को आप लोग क्या सोचते हो, आपको लगेगा कि यार ये तो कोई नर्ड टाइप का बंदा है, ये तो कंप्यूटर साइंस वाला कोई बंदा है जिसको कंप्यूटर साइंस की बहुत सारी नॉलेज है। और अगर लिनक्स के ही अंदर हम लोग बात करें काले लिनक्स की, तो आप लोग उस बंदे के बारे में क्या सोचोगे। आप एक कमरे के अंदर घुसते हो और उस कमरे के अंदर घुसते ही आपको दिखता है कि एक बंदा लैपटॉप के ऊपर काले लिनक्स चला रहा है, आप जैसे उसको देखते हो तुरंत आपके दिमाग में एक चीज आती है कि क्या ये हैकिंग कर रहा है। आपने आओ ना देखा ताओ, आपने बस ये चीज सोचा क्या ये हैकिंग कर रहा है, भले ही उसको काले लिनक्स का भी नहीं आता हो, बट आप यही सोच रखे होगे, है कि नहीं। तो ये जो काले लिनक्स है ये तो कंप्यूटर के लिए आती है। अब भैया लोग लिनक्स चलाना चाहते हैं, उनको काले लिनक्स बहुत अट्रैक्ट करता है, उनको लगता है कि अगर काले लिनक्स में चलाना सीखूंगा तो मैं हैकिंग करना सीख लूंगा, बट उनके पास कंप्यूटर नहीं होता, और जिसके पास कंप्यूटर नहीं वो लिनक्स कैसे चलाए। अब बेचारा वो परेशान है कि भाई मुझे तो यार बहुत इंटरेस्ट है एक काले लिनक्स, हर तरफ मैं सुन रहा हूँ कि हैकर बनना है तो काले लिनक्स चला लो, ये कर लो वो कर लो, बट मेरे पास तो यार कंप्यूटर नहीं है, अब मैं कैसे सीखूँ इसको। तो आप लोगों के लिए टर्मिक्स है। टर्मिक्स जानते हो एक ऐसा इन्वायरमेंट है, एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर आप लोग लिनक्स के सारे कमांड्स चला सकते हो। इनफैक्ट आप लोग टर्मिक्स के अंदर ही काले लिनक्स को भी इंस्टॉल कर सकते हो और उसके भी सारे टूल्स को यूज कर सकते हो। बट मैं आप लोगों को स्टार्ट में ही एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, एक कंप्यूटर से की गई हैकिंग और एक फोन से की गई हैकिंग में काफी ज्यादा अंतर आता है।
अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, आपके पास एक अच्छी मशीन है, तो उसके ऊपर अगर आप लोग काले लिनक्स का यूज़ करके हैकिंग करते हो तो आपके पास बहुत सारे एडवांटेज होते हैं और बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिनको चलाने के लिए आपको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। बट अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपको कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, कुछ नहीं से तो कुछ से ही, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टर्मेक से। आई होप सो कि अब आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हम लोग टर्मेक्स का यूज़ क्यों करेंगे, है कि नहीं। हम लोग एग्जैक्टली टर्मेक्स क्यों सीखेंगे, टर्मेक्स सीखने का मतलब है आप लोग लिनक्स को सीख रहे हो। तो आप लोग अपने दिमाग में ये परसेप्शन बना के चलो कि हाँ, मैं टर्मेक्स सीख रहा हूँ, इसका मतलब मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सीख रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर कमांड्स वही होते हैं जो लिनक्स में होते हैं, वही सारे कमांड्स हम लोग टर्मेक्स में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल डिवाइस के ऊपर और सीखते हैं कि हम लोग टर्मेक्स कैसे अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर परफेक्ट तरीके से इंस्टॉल करके सेटअप कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे हम लोग अपने एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने सर्च कर रखा है गूगल के ऊपर टर्मेक्स एंड्रॉयड, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली जो वेबसाइट आती है ना F-Droid वाली, इस वेबसाइट के ऊपर जाना है और टर्मेक्स को डाउनलोड करना है। मेक श्योर आप लोग इसी वेबसाइट से करें, ना कि गूगल प्ले स्टोर से, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जो टर्मेक्स है वो ओल्ड वर्जन का है और उसके ऊपर बहुत सारे आपको एरर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग भाई इसी वेबसाइट F-Droid से ही इसको डाउनलोड करें, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से F-Droid वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और जैसे आप लोग इसको ओपन करोगे ना, आपको थोड़ा सा नीचे स्लाइड डाउन करना है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग और स्लाइड डाउन कर लेते हैं और यहाँ पे जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा हो, अभी का लेटेस्ट वर्जन ये है, बट इन फ्यूचर अगर अपडेट होता है तो आप लोग इसका लेटेस्ट वर्जन देख लेना, ठीक है। उसको देखने के बाद आप थोड़ा सा नीचे और स्लाइड करना और स्लाइड करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो डाउनलोड APK लिखा हुआ है ना, हम लोग सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा ये जो टर्मेक्स का APK है बहुत ही अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक हमारा APK परफेक्ट तरीके से डाउनलोड हो जाता है। तो बहुत बढ़िया, हमारा टर्मेक्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डाउनलोड हो गया है। अभी हम लोगों को टर्मेक्स के साथ एक ऐप को और इंस्टॉल करना है, इस ऐप का नाम है MT फाइल मैनेजर। अब आपके फ़ोन में देखो अलग अलग टाइप के फाइल मैनेजर पड़े होंगे, जैसे गूगल का फाइल्स पड़ा हो सकता है या फिर कोई और फाइल मैनेजर पड़ा होता है, बट वो सारे फाइल मैनेजर आपको लोकेशन नहीं बताते। लोकेशन या फिर पाथ, जिस भी जगह पे हो आप, जिस भी फोल्डर में हो आप, उसका एक कंप्लीट पाथ होता है, वो फाइल मैनेजर आपको उसका पाथ नहीं बताते हैं। बट ये जो एम्प्टी फाइल मैनेजर है ये आपको उसका कंप्लीट पाथ बताएगा और उस कंप्लीट पाथ की मदद से हम लोग टर्मेक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि ये कंप्लीट पाथ क्या है और ये फाइल मैनेजर कैसा है या फिर ये कैसे काम करता है, तो चिंता ना करो, अभी फिलहाल मेरे कहने पे इस फाइल मैनेजर को डाउनलोड कर लो। आइए हम लोग देखते हैं कि इस फाइल मैनेजर को हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आप लोग सिंपल से इस फाइल मैनेजर को मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं सिंपल से यहाँ पे कट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर चला जाऊँगा, द GSM वर्क, ठीक है। आप लोग गूगल के ऊपर जैसे ही द GSM वर्क सर्च करोगे, यहाँ पे आप देख पाओगे मेरी वेबसाइट आ रही है, द GSMwork.xyz, ठीक है। आप इस वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर सकते हो और इस वेबसाइट के अंदर मैं टाइम टू टाइम बहुत सारे अलग अलग ट्यूटोरियल्स को भी ऐड करता रहता हूँ, तो आप लोग उनको भी जा करके यहाँ पे देख सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे मेरी वेबसाइट जैसे ही आप लोग ओपन करोगे ना, यहाँ पे ध्यान से देखो 3 लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन को ओपन करने के बाद रिसोर्स के सेक्शन पे आना, ठीक। रिसोर्स के सेक्शन पे जैसे जाओगे यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको सिंपल से क्या करना है, एम्प्टी मैनेजर, ठीक है। ये जो एम्प्टी मैनेजर है इसके अंदर जाने के बाद आप लोग न्यू APK, इसके अंदर मैं टाइम टू टाइम नए नए APKs को ऐड करता रहता हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे ये वाला वर्जन ऐड कर रखा है। अगर आप जब देख रहे हो इस वीडियो को यहाँ पे कोई दूसरा वर्जन आ जाए तो आप लोग सिंपल से उस वर्जन को डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिंपल से भी क्या करता हूँ, डाउनलोड के ऊपर दबाता हूँ और जैसे ही मैं डाउनलोड के ऊपर दबाऊंगा मैं इस वेबसाइट के ऊपर आ जाऊंगा। ये डेव अपलोड्स की वेबसाइट है और मेक श्योर इस वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए आपके फ़ोन में कोई भी एड ब्लॉकर नहीं चल रहा होना चाहिए। अगर कोई भी एड ब्लॉकर या फिर DNS सर्वर कुछ भी आपने अपने फ़ोन में ऐड कर रखा है तो प्लीज़ उसको बंद कर दें, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे डाउनलोड करना है। सिंपल से हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये जनरेट डाउनलोड लिंक है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर कोई एड ब्लॉकर लगा होगा तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा एड ब्लॉकर डिटेक्टेड, ठीक है।
बट मेरे में कोई भी एड ब्लॉकर नहीं है, तो यहाँ पे लिंक जनरेट हो गई है। इसके ऊपर हम लोग सिंपल से क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ, यहाँ पे देख पाओगे डाउनलोड नाउ है, हम लोग इसके ऊपर सिंपल से क्लिक कर देंगे और हमारा ये जो APK है बहुत ही अच्छे से आप लोग यहाँ पे देख पाओगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये डाउनलोड भी हमारा फिनिश हो जाता है। तो बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे हमारा ये जो MT मैनेजर था ये भी बहुत ही अच्छे से डाउनलोड हो गया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, दोनों ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, मैं सिंपल से इसके ऊपर क्लिक कर दे रहा हूँ और हमारा ये जो टर्मेक्स है ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग इसी टाइप से MT फाइल मैनेजर को भी इंस्टॉल कर लेंगे। बट एक चीज़ याद रखना, MT फाइल मैनेजर आप मेरी वेबसाइट से कर रहे हो, वहाँ पे कोई भी वायरस नहीं है। बट अगर आप किसी और वेबसाइट से इस फाइल मैनेजर को डाउनलोड करते हो या फिर आप लोग इसका VIP वर्जन डाउनलोड करते हो, तो हो सकता है आपके फ़ोन के अंदर वायरस आ जाए या फिर आपके फ़ोन के अंदर कोई भी भाई स्पाईवेयर आ सकता है। तो मेक श्योर आप मेरी वेबसाइट से ही करना, जहाँ पे मैं टेस्टेड APK रखता हूँ वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इस APK का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टर्मेक्स इंस्टॉल कर लिया है, मैं सिंपल से डन कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल से जाता हूँ और MT फाइल मैनेजर को भी मैं इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, अगर आपका जो इंस्टॉलेशन हो वो यहाँ से स्टार्ट ना हो, ध्यान से देखो, मेरा इंस्टॉलेशन गूगल क्रोम के ऊपर ऐसे मैंने क्लिक किया और यहीं से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ आप देख सकते हो अपडेट आ रहा है, इसका मतलब मैंने इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपका यहाँ पे स्टार्ट ना हो तो आप सिंपल से क्या करना, अपने फ़ोन के अंदर जो फाइल मैनेजर है ना उसके अंदर जाना, वहाँ पे डाउनलोड के सेक्शन में चले जाना, वहाँ पे आपको ये दोनों APK देखने को मिल जाएंगी। सिंपल से आप लोग एक एक करके दोनों APK को इंस्टॉल कर लेना, दैट्स इट। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही रखेंगे। हम लोगों ने टर्मेक्स को डाउनलोड करना सीखा, हम लोगों ने टर्मेक्स के बारे में सीखा, हम लोगों ने MT मैनेजर को डाउनलोड करना सीखा और हम लोगों ने MT मैनेजर के बारे में भी पता किया। अब जो हमारी अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा टर्मेक्स के कुछ बेसिक कमांड्स, प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो MT मैनेजर है इसका यूज़ हम लोग टर्मेक्स के अंदर कैसे कर सकते हैं, और आप लोगों को ये सीख करके बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मेक श्योर आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये बिल्कुल मस्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, वो वीडियो आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगी, प्लस वो वीडियो आप लोग मेरे चैनल के अंदर जाकर के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जो टर्मेक्स बेसिक प्लेलिस्ट है वहाँ पे भी जाकर के एक्सेस कर सकते हो, वहाँ से भी जाकर के आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो और ये ट्यूटोरियल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है तो प्लीज़ भाई एक कमेंट कर देना, आप लोग लिख देना टर्मेक्स और उसके आगे एक लाल कलर का दिल बना देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोगों ने ये पूरी की पूरी वीडियो देखी है और आपको देख करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।